तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेट्स। एक्सेल के अंदर में किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉर्मेटिंग के बेसिकली जो है करीब 4-5 पार्ट होते हैं। पहला होता है नंबर के, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। पहला होता है नंबर, दूसरा होता है अलाइनमेंट, तीसरा होता है फॉन्ट, चौथा होता है बॉर्डर फिल। तो ये 4-5 ऑप्शंस है प्रोटेक्शंस के। ओके, अब चलिए वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात हम नंबर फॉर्मेटिंग को फिलहाल छोड़ते हैं, हम फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, ये फॉन्ट का काम होता है। तो फॉन्ट डिसाइड करता है कि आपके सेल के अंदर लिखावट कैसी होनी चाहिए, क्या उसका कलर क्या होना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लिखावट। तो डिफॉल्ट आपका एरियल या कैलिबरी होता है। डिफॉल्ट क्या होता है? एरियल या कैलिबरी। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इस पे क्लिक कीजिए, आपके सारे नाम आ जाएंगे। अगर वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट है तो आप उसी फॉन्ट का टाइप कर दीजिए। अगर नहीं, आप देखना चाहते हैं कि कौन सा लिखावट कैसा होना चाहिए, तो एक एक करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जहां पे कर्सर होगा उसका टेक्स्ट अपना फीचर चेंज करेगा। ठीक है, पता है, मान लीजिए हिंदी लिखना है, आपको हिंदी टाइपिंग करना है, तो हिंदी का जो फॉन्ट है वो डाल दीजिए और आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके। ये कृति देव नाम है क्या हिंदी का? हाँ, वो जो फॉन्ट आप डालोगे फॉन्ट के हिसाब से होता है। मेरे अंदर जो फॉन्ट डाला हुआ है वही। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ सर, तो फॉन्ट चेंज करना समझ गए? हाँ सर। फॉन्ट के बाद आती है साइज। देखिए, साइज से पहले देखिए जो आपने लिखा हुआ है ये इस लाइन से बाहर है, तो साइज को यहां से भी कम किया जा सकता है वन बाय वन, और यहां से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ बनाते हैं तो हमें एग्जैक्ट साइज पता होता है, मुझे इतना डालना है, तो आप यहां से वो साइज दे सकते हो, राइट? अब आते हैं कि जैसे आप किताब वगैरह पढ़ते होंगे तो कुछ ऐसे लेटर जो है ना काफी ज्यादा बोल्ड होता है, मतलब गहरा होता है, क्यों? ताकि कोई भी उसको आसानी से पढ़ ले। जैसे हम लोग भी हाइलाइटर्स हाईलाइट करते थे ना, क्यों हाईलाइट करते थे? ताकि जब हम काम करने हमें पता तुरंत चल जाए कि हाँ ये चीज इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो बोल्ड के लिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट कंट्रोल बी है, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, हाँ सर। अंडरलाइन भी इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कोई अगर अभी लिखिए, मैं कोई डेटा ले लेता हूं। हाँ श्री राजमा जी, सॉरी, तो हमने डेटा लिया, अब इसकी प्रिंटआउट अगर मैं निकालूंगा तो इस प्रिंटआउट में ये जो लाइनिंग आ रहा है, जो लाइनिंग दिख रहे हैं, ये लाइनिंग सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है, आपको हमारे समझ के लिए है, ये प्रिंट नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्रिंट लाइनिंग प्रिंट हो तो यहां से बॉर्डर, तो बॉर्डर में देखिए ऑल बॉर्डर हो गया।
मैं चाहता हूँ कि आरी आरी से मोटा बॉर्डर हो, तो इसी में देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो अगर बॉर्डर को भी आप स्पेशली अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो बॉर्डर के लिए एक अलग से हमारा है यहाँ पे। तो फॉन्ट के बाद हम बॉर्डर पे आ गए, क्योंकि फॉन्ट में बाकी सब सेम था। इसमें हमारा फॉन्ट का कलर था कि ब्लैक के जगह पे फॉन्ट को कौन सा कलर लेना चाहो कलर ले सकते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन तो बता दिया आपने, स्टिक थ्रू मतलब कि बीचे बीचे कार्ड लगा, इसका यूज नहीं होता है। हम बॉर्डर पे आते हैं, तो बॉर्डर पे यहाँ पे आपके बॉर्डर है, तो इस चीज को देखिए, अप साइड, बिलो साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ ये आपको सामने आपका दिख रहा है, तो इसको अगर मैं मान लो कि कलर कर लूं, मैं मान लीजिए कि मैंने ग्रीन कलर दे दिया और मैं जो डबल लाइन है वो नीचे रखना चाहता हूं, तो मैं यहां इस पे क्लिक कर दूंगा, दिख गया आपको, हाँ नीचे आया। तो क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस हो जाएगा, मतलब क्रॉस में इस पे डॉट करना चाहता हूं, क्रॉस हो गया, राइट। तो बॉर्डर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये बॉर्डर सर डिलीट कैसे करना है? बॉर्डर डिलीट करने के लिए नो बॉर्डर, ओके, मैंने कंट्रोल जेड किया था, लेकिन आप हटाना है तो नो बॉर्डर। नहीं मतलब सर मैं ये डाल रहा था ना, पर्टिकुलर एक सेल का बॉर्डर निकालना है तो मुझे मतलब इस करना है। हाँ, मान लीजिए कि आपने इसको बॉर्डर किया, मान लीजिए मैंने ऑल बॉर्डर किया, अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल का बॉर्डर हट जाए, तो आपने इसको नो बॉर्डर कर दिया, कर दिया, उस पे क्लिक करके क्या? ओके ओके, हाँ क्लियर है, क्लियर है सर। तो बॉर्डर समझ में आ गया? हाँ। तो हमने दो चीज समझा, फॉन्ट और दूसरा समझा बॉर्डर। बॉर्डर अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट। अब जैसे कि ये अलाइनमेंट में क्या है कि जो कुछ आपने लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है ना, इसको अलाइन करना। देखिए तो अगर मैं इसको मिडल करता हूं तो बीच में आएगा, अप करता हूं तो अप जाएगा, अप मिडल बॉटम, राइट। ऐसे ही आपका लेफ्ट मिडल सेंटर एंड राइट, इसे यूज कर सकते हो। देखिए मुझे अगर मिडल करता हूं तो सेंटर करता हूं तो क्या होता है, पूरा बीच में आता है, मुझे थोड़ा सा हटाना है, यहां आपका यूज होता है इंडेंट। क्या होता है? इंडेंट। इस पे क्लिक कीजिए, एक एक करके थोड़ा थोड़ा हटेगा। देखिए जनरली इसके लोग क्या करते हैं, स्पेस लगा देते हैं ना, यहाँ से यहाँ लेते हैं और यहाँ से स्पेस ऐसे समाते हैं, राइट, ये गलत है क्योंकि स्पेस ऐड हो जाता है ना, क्योंकि डेट में आपका जो कंडीशन वंडीशन लगाएंगे वहां पर वर्क नहीं करेगा, बराबर, इसलिए ये चीज ठीक नहीं है। ओके, हाँ सर, चलिए आगे बढ़े। अब इसमें एक और चीज आता है रैप। अब इसको यहाँ रैप पे जाते हैं तो इस प्रोसेस को अपने हिसाब से अपने एंगल पे घुमा सकते हैं, ठीक है, और यहां से अपने मर्जी से जो घुमाना चाहे घुमा सकते हैं। अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। अब जैसे कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, रैप टेक्स्ट क्या होता है जिसको जानिए, मैं यहाँ पे लिखा सुजीत एंड लिखा मैंने कुमार, राइट। अब सुजीत और कुमार में अगर मैं यहाँ पे देख रहे हैं, आप बढ़ गया यहाँ पे, हाँ। अभी आपको सुजीत कुमार दिख रहा है, लेकिन अगले सेल में जैसे वैल्यू को डालूंगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके कॉलम से ओवर जा रहा है, बराबर। यहाँ पे मैं रैप टेक्स्ट करूंगा तो उसको तोड़ के नीचे ला देगा, ओके, अपने हाँ, रो आपकी साइज बढ़ा देगा और रो में डाल देगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इसी में फिट हो जाए, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे श्रिंक टू फिट, ओके, ठीक है सर,
पर ये सर हर बार ऐसे श्रिंक टू फिट करना पड़ेगा, कोई बड़ा नाम रहेगा तो शॉर्टकट नहीं है क्या कुछ? नहीं, श्रिंक टू फिट देना पड़ेगा, मतलब राइट क्लिक करके श्रिंक टू फिट। हाँ ठीक है, ओके क्लियर है डाउट? इसमें इसमें सेल्स का साइज बढ़ रहा है या फॉन्ट का साइज कम हो रहा है? फॉन्ट का साइज कम हो रहा है, अगर सेल्स का साइज बढ़ाते हैं तो फॉन्ट का साइज बढ़ता है। देखिए ओके हाँ हाँ, सिंक टू फिट मतलब जितना बड़ा एरिया है उसमें अपने आप को फिट कर, तो सिंक टू फिट। ओके ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं मर्ज। अब मान लीजिए कि मुझे कोई हेडिंग लिखना है, तो सिग्नल लिख दिया डेली सेल्स रिपोर्ट। अब मुझे इसको बड़ा करना है काफी, इसलिए मुझे कॉलम भी बड़ा करना पड़ेगा ना सर। तो कॉलम बड़ा करने पे नीचे बड़ा हो जाएगा, तो मुझे कॉलम बड़ा नहीं करना है पर इतना बड़ा एरिया चाहिए, तो उतने में एरिया को सिलेक्ट करके मैं यहाँ मर्ज कर। तो मर्ज करने का फायदा क्या हुआ, कई सारे सेल्स मिली। इसलिए मान लीजिए ना ये आपका ये दो सेल है ना, अभी दो अलग अलग सेल है, मैं जब मर्ज करूंगा तो एक सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मर्ज कर दे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। तो यहां से अपने हिसाब से जो भी बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हो डाल सकते हो। अगर इसमें कोई कलर आपको नहीं मिलता है तो आप मोर कलर्स पे जा सकते हैं। राइट, मोर कलर पे आप जा सकते हैं। ठीक है, कस्टम पे भी जाके अपने हिसाब से कलर यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें और भी ज्यादा आपको ये चाहिए, जैसे मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, तो यहाँ फिल में आते हैं ना हमारा, हमने अलाइनमेंट कर लिया, हमने फॉन्ट कर लिया, हम बॉर्डर कर लिए, अब फिल पे आ गए। अब फिल पे आने के बाद एक कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट में जैसे दो कलर का मिक्स यहाँ दिख रहा है ना आपको, व्हाइट कलर, हमने व्हाइट के जगह पे रेड ले लेते हैं और इसके जगह पे व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक मिक्स कलर, हाँ मिक्स हो गया कलर। और यहाँ वर्टिकल चाहिए, क्या चाहिए उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न, फॉर्मेट सेल में आएंगे, फिल में आएंगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पैटर्न दिखेगा फिल में। तो पैटर्न का कलर क्या होना चाहिए और कौन सा पैटर्न चाहिए? ओके, जो मुझे ये चाहिए बारकोड टाइप। ठीक है, ठीक है, राइट। हाँ सर, हो गया सर। तो हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग में सब कुछ कर लिए, बचा हुआ है सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग। तो सर नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसको हम